बहुत समय पहले की बात है, काशीपुर नामक गांव में दो बहनें नेहा और प्रीति अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थीं। नेहा स्वभाव की बहुत अच्छी थी, प्रीति स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुमन प्रीति से प्यार क्या करती थी, नेहा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि नेहा के जन्म के समय सुमन के पति का निधन हो चुका था, जिसका कारण वह नेहा को मानती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुमन बहुत सुंदर सुंदर नेल पॉलिश खरीद कर लेकर आती है और प्रीति से कहती है, प्रीति मेरी प्यारी बच्ची, यह देख मैं तेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर कलर की नेल पॉलिश लेकर आई हूँ, ये तेरे हाथों पर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। हाँ माँ, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सुंदर है, ये सभी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश मैं कॉलेज में अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, किसी के भी पास ऐसी नेल पॉलिश नहीं होंगी जैसी आप मेरे लिए खरीद कर लेकर आई हैं। सुमन और प्रीति की बातें सुनकर नेहा भी वहां आ जाती है और नेल पॉलिश देखकर नेहा अपनी माँ से कहती है, माँ रेड कलर की नेल पॉलिश मुझे दे दीजिए, मेरे पास एक भी नेल पॉलिश नहीं है, मैं कॉलेज को ऐसे ही जाती हूँ। प्रीति दीदी के पास तो बहुत सारा मेकअप का सामान है, बहुत सारी ड्रेसेस हैं और आज आप इनके लिए इतनी सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लेकर आई हैं, इसमें से एक मुझे दे दीजिए माँ। हाँ मैं प्रीति को सब सामान तुझसे बढ़कर दिलाती हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेटी प्रीति से प्यार करती हूँ, तुझसे प्यार नहीं करती। तेरी वजह से मेरे पति हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू पैदा हुई थी। अब चल यहाँ से, मेरे लिए गरम गरम चाय बनाकर लेकर आ। नेहा को अपनी माँ के यह शब्द बहुत ज्यादा दुख पहुँचाते थे। नेहा घर में छोटी थी, फिर भी वह घर का काम क्या करती थी, अपनी माँ का कहना माना करती थी ताकि नेहा को उसकी माँ प्यार की नजरों से देख ले। लेकिन सुमन का दिल पत्थर का हो चुका था, उसे नेहा के ऊपर बिल्कुल भी प्यार नहीं आता था। नेहा अपनी माँ के लिए गरम गरम चाय बनाकर देती है और प्रीति के साथ कॉलेज चली जाती है। प्रीति कॉलेज जाने के बाद अपने सभी फ्रेंड्स को अपनी माँ की लाई हुई नेल पॉलिश दिखाती है। देखो देखो काव्य और नैना, मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर कलर की नेल पॉलिश है, तुम्हारे पास ऐसी नेल पॉलिश है क्या? हाँ प्रीति, यह सभी नेल पॉलिश तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, हमारे पास नहीं है। वैसे प्रीति, मैंने कभी तुम्हारी बहन नेहा के हाथों में नेल पॉलिश नहीं देखी। क्यों, ये तुम्हारी सगी बहन नहीं है क्या? उसके पास ड्रेसेस भी नहीं होती, उसकी सभी तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस पहनती है वो। हाँ है तो मेरी सगी बहन, लेकिन माँ इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, क्योंकि जब ये इस दुनिया में आई थी तो पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, इसलिए माँ इससे प्यार नहीं करती और मुझसे भी कहती हैं कि मैं इससे दूर रहूं। अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो कहीं ये मुझे भी ना मार दे, क्योंकि ये मनहूस है। इसका मतलब प्रीति, हमें भी तुम्हारी बहन से दूर ही रहना चाहिए, कभी इसकी मनहूसियत हमें भी ना मार दे। ऐसा कहकर प्रीति और उसकी सभी फ्रेंड्स हंसने लग जाती हैं। यह सब सुनकर नेहा से सहन नहीं होता। तभी नेहा बहुत गुस्से में आती है और प्रीति के जोर से थप्पड़ मार देती है और प्रीति से कहती है, प्रीति दीदी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं कभी भी आपके ऊपर हाथ उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। अगर माँ मुझसे प्यार नहीं करती और आप मुझसे दूर रहती हैं तो अपने फ्रेंड्स को क्यों बता रही हैं? आखिर आप अपनी बहन का इस तरह से मजाक क्यों बना रही हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर मैं हूँ तो आपकी छोटी बहन ही ना। नेहा के थप्पड़ मारने के बाद प्रीति बहुत आग बबूला होकर घर जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है आज उस मनहूस नेहा ने क्या किया? उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा, मेरी इतनी इंसल्ट की, मैं आपको बता नहीं सकती। आपने उसे नेल पॉलिश नहीं दी थी ना, बस इसी बात का बदला उसने मुझसे कॉलेज में लिया। क्या मेरी बच्ची, नेहा ने तुझे थप्पड़ मारा, आज आ जाने दे तू, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। ऐसा कहकर प्रीति और सुमन नेहा के आने का इंतजार कर रही थीं। कुछ समय बाद नेहा भी घर आ जाती है। तभी सुमन नेहा के थप्पड़ मारकर उससे कहती है, क्या नेहा तूने प्रीति के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए तुझे आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा और घर का सारा काम करने के साथ तुझे सभी कपड़े भी धोने होंगे और इस्त्री भी करनी होगी। और हाँ सबसे बड़ी बात, तेरा कॉलेज बंद। नहीं माँ
आप मेरे साथ ऐसा तो मत कीजिए, मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की, मुझे प्रीति दीदी को मारना नहीं चाहिए था, लेकिन प्रीति दीदी को भी तो अपने फ्रेंड के सामने मुझे मनहूस नहीं कहना चाहिए था। माँ, आप कभी मेरे दर्द को नहीं समझती। मुझे कितना बुरा लगता है जब आप मुझे भला बुरा कहती हैं, मुझे मनहूस कहती हैं, मुझे प्यार की नज़रों से नहीं देखती। और आज प्रीति दीदी अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे मनहूस कह रही थी, ये मुझसे सहन नहीं हुआ माँ, इसलिए मैंने प्रीति दीदी के थप्पड़ मार दिया। हाँ, तू मनहूस है तो तुझे मनहूस ही तो कहा जाएगा। मैंने बिल्कुल सही कहा, और माँ आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब तू कॉलेज नहीं जाएगी, यही तेरी सबसे बड़ी सजा होगी। सुमन नेहा का कॉलेज बंद कर देती है। नेहा को बहुत बुरा लगता है, बेचारी पूरे दिन रोती रहती और घर का सभी काम करती रहती। एक दिन नेहा सोचती है, नहीं अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। माँ और प्रीति दीदी मुझे मनहूस समझती हैं और वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगी, इसलिए यही बेहतर होगा कि मुझे घर को छोड़ देना चाहिए। ऐसा सोचकर नेहा घर छोड़कर चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। आखिर मौत को कौन रोक सकता है? पिताजी की मौत उसी समय आनी थी जब मेरा जन्म हुआ, तो इसमें मेरी क्या गलती? माँ और प्रीति दीदी मुझे इसका कसूरवार क्यों समझती हैं? मैंने अपना घर छोड़ दिया, मैं माँ से कितना प्यार करती हूँ, उनकी एक प्यार की झलक के लिए तरसती हूँ, लेकिन माँ को कभी मेरे ऊपर प्यार नहीं आता, वो हमेशा पिताजी का कातिल समझती है मुझे। मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कहकर नेहा बहुत रो रही थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह नेहा से कहती है, बेटा क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है और मैं खाना नहीं बना सकती, तुम मुझे खाना बनाकर खिला देना, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरी बच्ची। अम्मा जी आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। ऐसा कहकर नेहा उस बूढ़ी औरत के साथ उनके घर चली जाती है और वहाँ जाने के बाद उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बनाती है। खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तभी वह बूढ़ी औरत नेहा से कहती है, अरे बेटा तुमने इतनी छोटी उम्र में इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, लगता है तुम बहुत समय से खाना बना रही हो। तुम पेड़ के पास बैठकर बेटा क्यों रो रही थी, मुझे बताओ। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर नेहा की आंखों से आंसू चलने लग जाते हैं। तभी वह उस बूढ़ी औरत को अपनी आप बीती बता देती है। तभी बूढ़ी औरत को यह सब सुनकर बहुत अफसोस होता है और वह नेहा से कहती है, बेटा तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकती हो जब तक तुम्हारा दिल चाहे तब तक। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर नेहा खुश हो जाती है और वहीं उनके साथ रहने लगती है। समय बीत रहा था। एक दिन नेहा देखती है कि इस झोपड़ी में बहुत सुंदर नेल पॉलिश है। नेहा को हमेशा से ही नेल पॉलिश लगाने का बहुत शौक था, लेकिन उसे कभी अपने घर पर नेल पॉलिश लगाने के लिए नहीं मिली थी। तभी नेहा उस नेल पॉलिश को देखकर कहती है, अरे वाह ये तो कितनी ज्यादा सुंदर नेल पॉलिश है, मगर अम्मा जी तो नेल पॉलिश नहीं लगाती, फिर कौन लगाता है? चलो किसी की भी हो मुझे लगा लेनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मेरे हाथों पर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। ऐसा कहकर वह नेल पॉलिश लगा लेती है। नेल पॉलिश लगाते ही नेहा को उसका घर दिखाई देता है, जिसमें उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार बेड पर लेटी थी और वहाँ पर कोई भी नहीं था, जिसे देखकर नेहा घबरा जाती है। तभी नेहा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनसे कहती है, अम्मा जी आपकी झोपड़ी में जो नेल पॉलिश रखी थी मैंने उसे अपने हाथों पर लगाया, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ बीमार है, मुझे मेरा पूरा घर दिखाई दिया, लेकिन वहाँ प्रीति दीदी दिखाई नहीं दी। अम्मा जी नेल पॉलिश लगाकर ऐसा क्यों हुआ? अरे बेटा जो तुमने नेल पॉलिश लगाई है वो कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, वह परी की जादुई नेल पॉलिश है। बहुत समय पहले परी मुझे अपनी जादुई नेल पॉलिश देकर गई थी,
उसकी कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर लगता है अब तुम्हें इसकी ज़रूरत है बेटा। अम्मा जी, इस जादुई नेल पॉलिश की वजह से मुझे पता चला कि मेरी माँ बीमार है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, उन्हें मेरी ज़रूरत है। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, और ये जादुई नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखूनों पर लगा देना, वह बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। यह जादुई नेल पॉलिश तुम्हारी बीमार माँ को ठीक कर देगी। नेहा परी की जादुई नेल पॉलिश लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी माँ की हालत देखकर उनसे कहती है, माँ आपकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, आप अकेली हैं, प्रीति दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही। नेहा की बातें सुनकर सुमन रोने लग जाती है और नेहा से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे कभी प्यार नहीं किया, हमेशा तुम मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। बेटा, मैंने प्रीति की शादी बहुत धूमधाम से की और वह उस दिन के बाद से आज तक मुझे देखने भी नहीं आई। मैंने बहुत फ़ोन किए कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी वो अपनी बीमार माँ को देखने नहीं आई। बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें जैसे ही पता चला तुम मेरे पास आ गई, अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना मेरी प्यारी बच्ची। नहीं माँ, मेरी भी बहुत बड़ी गलती है, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरी माँ का प्यार मिल गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती थी और वह मुझे मिल गया। माँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्योंकि मेरे पास परी की जादुई नेल पॉलिश है, इसे लगाते ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नेहा ऐसा कहकर अपनी माँ के वह परी की जादुई नेल पॉलिश लगा देती है, तभी उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और नेहा को गले लगा लेती है। नेहा को परी की जादुई नेल पॉलिश की मदद से अपनी माँ का प्यार मिल गया, जिसके लिए वह हमेशा तरसती थी।